शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या निराश हुआ जाए पृष्ठ संख्या 39 के तीसरे अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा था कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, दोष में रस लेना बुरी बात है, ठीक वैसे ही अच्छी बातों को उजागर न करना भी बुरी बात है। लेखक अपने जीवन की एक घटना का भी जिक्र किया था कि कैसे वह एक बार टिकट लेने के बाद टिकट बाबू को 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया था और टिकट बाबू बड़ी ईमानदारी से उन्हें ढूंढ कर ट्रेन के डब्बे में जाकर बाकी के बचे 90 रुपये लौटा दिए थे। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक हमसे यही कहना चाहता है कि वह कैसे मान ले कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। वैसे लेखक के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जिन्हें पसंद नहीं किया जाता है। अवांछित का अर्थ है पसंद न करना, परंतु यह एक घटना अर्थात जो टिकट बाबू के साथ घटना हुई थी, यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेखक के कहने का अर्थ यही है कि भले ही मैं जीवन में कई बार ठगा गया हूँ, लोगों ने मुझे धोखा भी दिया है, परंतु टिकट बाबू की ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है और मुझे यह विश्वास दिलाया है कि अभी भी इस संसार में अच्छे लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगला अनुच्छेद। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यह घटना लेखक के जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। वह एक बार बस से यात्रा कर रहा था, उसके साथ लेखक की पत्नी और उसके 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी जिसके कारण बस रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य अर्थात मंजिल से कुछ 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन और सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। अर्थात 8 किलोमीटर पहले बस खराब हो जाती है और फिर नहीं चलती है। रात के कोई 10 बजे थे। बस के सभी यात्री घबरा गए थे और जो कंडक्टर है वह साइकिल लेकर निकल गया था। लोगों को इस पर संदेह होने लगा कि कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। उस समय के हिसाब से रात के 10 बजे काफ़ी देर माना जाता था, इसलिए लोग डरे हुए थे और कंडक्टर के साइकिल से चले जाने के बाद संदेह उनका और गहरा रहा था। अगला अनुच्छेद। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। इस अनुच्छेद में लेखक हमसे यही कहना चाहता है कि जो बस में लोग थे वे अब तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दिए। वे आपस में बातें कर रहे हैं कि यहाँ डकैती होती है, उनमें से किसी ने ऐसा कहा था, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, अर्थात इसी तरह सुनसान जगह पर बस को रोका गया और फिर डाकू आकर जो यात्री थे उनका सारा सामान लूटकर चले गए। परिवार सहित अकेला मैं ही था, अर्थात केवल लेखक ही अपने परिवार के साथ था, बाकी जो यात्री थे वे अकेले थे।
लेखक के जो बच्चे थे वे पानी पानी चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी और सुनसान जगह होने की वजह से पानी का कोई ठिकाना भी नहीं था और ना ही किसी के घर से वह मंगा सकता था क्योंकि वह जगह सुनसान थी। लेखक बहुत चिंतित था, परेशान था, क्योंकि आदमियों का डर भी उसके ऊपर समा रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर यह बात सच हुई तो उसका क्या होगा, उसके परिवार वालों का क्या होगा तथा उसके बच्चों का क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।